इसमें हल करेंगे हम वृक्षीट 91, 92, 93, 94, 95 और OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। वृक्षीट 91, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड देन कंप्लीट इन दी गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इकबाल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे गो टू द सेम स्कूल, दे लिव इन ए स्मॉल टाउन, दे गो टू स्कूल एट 9 AM एंड कम बैक एट 4 PM, इन द इवनिंग दे गो टू प्ले विथ अदर फ्रेंड्स, दे लव टू मैच, दे लव टू वॉच TV, बट दे रीड स्टोरी बुक्स ऑन संडे। इकबाल ब्रिंग स्वीट्स फॉर रवि ऑन ईद, रवि टू शेयर स्वीट्स विथ इकबाल ऑन दिवाली एंड अदर फेस्टिवल्स। रवि एंड इकबाल आर पॉपुलर विथ दियर फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो लाइक बाई द टीचर्स। नीचे कुछ इसमें प्रश्न हैं। आई कम टू स्कूल, ये आएगा 8:10 o'clock एवरी डे। आई स्टडी इन क्लास 4। वी विल हैव हॉलीडे ऑन संडे। आई वॉज बॉर्न इन 2015। आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलने जाता हूँ। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। देर इज पॉन्ड इन माई विलेज, मेरे गाँव के अंदर एक तालाब है। आई विल बी देयर एट 3 o'clock, मैं 3 बजे आ सकता हूँ। ये था वर्कशीट 91, OCR फॉर्मेटिव असिस्मेंट 13। फाइंड आउट द करेक्ट नेम फॉर द फॉलोइंग। आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। आई लिव इन द जंगल एंड आई ईट अदर एनिमल, जो दूसरे जानवर को खाता है, चीता। आई एम मेड ऑफ वुड, यू यूज मी फॉर राइटिंग, लिखने के काम आती है, वो होगा पेंसिल। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज दी हैज फीवर। आई गो टू लर्न गिटार 8:06 o'clock एवरी डे। रीड दी स्टोरी एंड चूज द आंसर दी क्वेश्चन 5 to 7। वन डे ए गोट वॉज ईटिंग ग्रास, हिज मदर कॉल्ड हिम टू गो टू होम, बट ही डिड नॉट लिस्टन। वेन ही लुकड अप ही वॉज अलोन, ही स्टार्ट रनिंग टू गो होम, बट नियर द ट्रीज देयर वॉज ए बिग वॉल्फ। द गोट वॉज इन डीप फियर एंड सैड, बिफोर यू ईट मी आई वॉन्ट टू लिस्टन टू यूअर ब्यूटिफुल वॉइस, सो प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग। द प्राउड वॉल्फ क्लोज हर आइज and started singing. The goat ran to his home as fast as he could. क्वेश्चन नंबर 5 है। Why did the goat feel fearful when he saw the wolf? Because the wolf would eat him. भेड़िया उसको खाना चाहता था। Who called the baby goat his mother? Which word can be used describe the wolf? Foolish. भेड़िए के लिए कौन सा वाक्य होगा? Foolish यानी मूर्ख। Choose the letter that can be used the complete two words. तो यहाँ cloud आएगा, CLOUD cloud. इसके बाद है, choose the letter that can use to complete both the word. तो यहाँ E आएगा, NEAT need, CL EAR कलर, दोनों जगह EAE आएगा। चूज द वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस। इट वॉज कॉल्ड सो आई शूट द विंडोज। ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट 13।
वर्कशीट पर राउंड पे मेक क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट व्हाट हु हाउ मेनी एग्जांपल व्हाट इज योर नेम माय नेम इज गौरी हाउ मेनी ट्रीज आर देयर देयर आर 4 ट्रीज नीचे क्वेश्चन आंसर है दिस इज ए कैमल क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस द चिल्ड्रन आर दी इन द पार्क तो वेयर आर इन द चिल्ड्रन देयर आर टू बॉयज हाउ मेनी बॉयज आर थियर पवन इज ए गुड बॉय तो हाउ इज पवन माई बैग इज हैवी हाउ इज यूअर बैग आरती इज प्लेइंग विथ अरुण हु इज प्लेइंग विथ अरुण माई फादर इज ए टीचर वॉट इज यूअर फादर ये था वर्कशीट 92। वर्कशीट 93 रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पिंकी वॉज प्लेइंग ए काइट ऑन द रूफ ऑफ हर होम शी वॉज लुकिंग अप एट द काइट शी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ द रूफ पिंकीज मदर सा हर She suited Pinky step back. Pinky realized how close she is to the boundary and immediately realized her mistake and stepped back. She decided to fly the kite from the ground floor only. नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं नंबर दिस इवेंट टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सीक्वेंस तो सीक्वेंस इसमें हमने जमाया सबसे पहले हुआ पिंकी फ्लाइंग इज ए काइट ये पहला हुआ इसके बाद पिंकी सुटेड स्टेप बैक पिंकी गेट क्लोज द बाउंड्री ऑफ रूफ ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर होगा ये होगा यहाँ 4 नंबर पर ये होगा 3 पर और ये होगा 2 पर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 2 वेयर वाज पिंकी फ्लाइंग द काइट्स तो सी वाज फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस Who saved Pinky? Pinky's mother saved her. Why did Pinky's mother shout? Pinky was getting very close on the boundary on the roof of her mother. Shouted. What precautions will you take if you fly the kite on the roof of your house? I shall not run on the room and fly the kite. फ्रॉम दी ग्राउंड फ्लोर ये था वर्कशीट 93 94 वर्कशीट 94 सर्कल द बर्ड्स एंड एनिमल दैट यू सी इन यूअर सराउंडिंग पक्षियों और जानवरों के गोला लगाना है पक्षी में यहाँ है कैट स्पैरो रेट फॉक्स डंकी पिकॉक हॉर्स ओवल काउ स्क्वायरल कैमल बफेलो और ऑक्स जिनको हम पालते हैं इनके हमने गोला लगा दिया इसके बाद आया है एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई मी रीड द गिवन लाइंस एंड आइडेंटिफाई एनिमल बर्ड्स टीचर कैन रीड आउट द चिल्ड्रन विथ एक्शन तो इसमें एक्शन देखिए आई एम ए बिग एंड फैट एनिमल मैं बड़ा बड़ी जानवर हूँ I eat grass, मैं घास खाती हूँ I am mostly black in color, मैं काले कलर की हूँ Please use my milk, people use my milk, लोग मेरा दूध पीते हैं And make a tea और चाय बनाते हैं Response कौन हूँ मैं ये होगी बफेलो यानी भैंस I am a big bird, I have a long feathers, they are colorful, I love a dance in the rain, I am also our nation bird. रिस्पॉन्स मैं कौन हूँ तो ये होगा पिकॉक एनी मोर
तीसरा है, आई एम ए बर्ड, आई लिव इन ए फॉरेस्ट ऑन फार फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन, आई कैन सी इन द डार्क, आई हैव ए डिफरेंट फेस देन मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स, तो ये होगा ओवल यानी उल्लू। चौथा है, आई एम ए स्मॉल एनिमल, आई लिव नियर ह्यूमन पॉपुलेशन, आई लाइक टू ईट रेट एंड ड्रिंक मिल्क, पीपुल आल्सो पेट मी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स हैं ये होगी बिल्ली केट। ये था वर्कशीट 94/94। वर्कशीट 95, डिस्कस विथ योर टीचर एंड मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विथ व्हाट दे डू। तो लोइन को मिलाएंगे, लोइन करता है रोर चिंगाड़ना, काऊ करती है माऊ, डॉग करता है भौंकना बार्क, हॉर्स करता है नाइक चिंगाड़ना, और स्नेक करता है हिच। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटेंड द राइमिंग इंक्लूडिंग मोर द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड ड्रॉ द एनिमल इन द बॉक्सेज बिलो। वॉकिंग इन द जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी ए काव मोइंग एट मी। वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी ए मंकी चेजिंग मी। तो यह हमें इनका चित्र भी बनाना है। वॉकिंग इन द जंगल, व्हाट डू यू सी, आई सी ए लोइन रोरिंग एट मी, या शेर का चित्र बना दें, या गाय का, या बंदर का, और या शेर का, तीन चित्र बनाने हैं। ये था वर्कशीट 93/94/95। और भी वर्कशीट के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी वर्कशीट के हल डाल रखे हैं। धन्यवाद।